हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ रिपोर्ट्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन निकालती हैं। तो इस पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन रिपोर्ट्स को जो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती हैं। तो इनमें से कुछ रिपोर्ट्स बहुत ही कंफ्यूजिंग नेचर की हैं, तो आइए इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है। ये बात ध्यान रखना कि जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, जनरली जिस पे डेवलपमेंट मेनली एजेंडा होगा, तो उस पे आप ध्यान रखना कि मोस्टली वर्ल्ड बैंक बनाता है। तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट और रिपोर्ट्स भी होती हैं जो वर्ल्ड बैंक नहीं करता, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वर्ल्ड बैंक बनाता है। इसको याद करने का ये तरीका देख लो कि अगर बिजनेस हम करते रहेंगे तो बैंक को ही ध्यान रहता है कि कौन बिजनेस कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिपोर्ट को याद करने के लिए इस तरह से कर लेना कि अगर बिजनेस वर्ड आता है तो वर्ल्ड बैंक वो रिपोर्ट निकालता है। फिर आता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें डेवलपमेंट वर्ड आ जाएगा। तो बैंक को ही होता है कि कौन सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं या कौन सी चीज़ें, ताकि बैंक ने इन्वेस्ट करना होता है, लोगों को लोन्स देने होते हैं, पूरे कहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। तो इस तरीके के हम ऐसे याद कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक बनाता है। और उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, इसको आप याद रख लेना क्योंकि कुछ हेल्थ रिपोर्ट्स कोई और ऑर्गेनाइजेशंस भी निकालती हैं, लेकिन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये है कि वर्ल्ड बैंक ये इंश्योर करता है कि कहाँ का हेल्थ है। इसको याद करने का ये है कि कवरेज जहाँ पे वर्ड आ गया, तो वर्ल्ड बैंक एक तरह से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी ये मेन मतलब ये रहता है कि कहाँ कवरेज हुई। तो यानी हेल्थ कवरेज अगर यहाँ पे अगर हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक निकालता है रिपोर्ट। फिर रेमिटेंस रिपोर्ट, जितने भी फॉरनर्स NRIs जैसे भारत के बाहर रहते हैं और वो रेमिटेंस करते हैं, पैसा भेजते हैं, तो ये इसकी रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। इसको याद करने का भी यही तरीका हुआ कि बैंक के थ्रू ही रेमिटेंस आती होगी और वर्ल्ड बैंक ही इसकी रिपोर्ट निकालता है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। लिविंग इंडेक्स को भी आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर बैंक को ही ध्यान रखना है कि किस आदमी को लोन देना है और किसको नहीं देना है, और इसके अकॉर्डिंगली किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है। तो बैंक को ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, इसलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट आती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वो रिपोर्ट होती है जिसमें हर देश की परफॉर्मेंस देखी जाती है लॉजिस्टिक्स के मामले में। तो वर्ल्ड बैंक को ही ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। इसको याद करने का तरीका इस तरह से देख लेना कि लॉजिस्टिक अगर किसी देश का अच्छा होगा तो ही बैंक उसका उस उन कंपनीज को या उस देश को ज़्यादा लोन देगा, क्योंकि जितना लॉजिस्टिक अच्छा होता है उतनी ही प्रोडक्ट सप्लाई, जो रॉ मटेरियल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सप्लाईज होती हैं। तो इस तरीके से याद कर लेना। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट भी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट निकालता है, तो इसमें डेवलपमेंट वर्ड आ गया, तो इस तरीके से ध्यान रखना, याद हो जाएगा कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक निकालता है। ध्यान रखना इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं निकालता है, हालांकि जब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, लेकिन जो ये वाली रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। इसको ध्यान से देख लेना। प्रोस्पेक्ट भी एक तरह से है कि कितनी डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिकली, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। इसके साथ ही एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें ये 8th जो रिपोर्ट थी वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट थी, ठीक है, और ये वाली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट। इसमें भी इकोनॉमिक वर्ड है और प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, लेकिन ये रिपोर्ट बनाता है यूएन डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। तो अगली रिपोर्ट पे हम चलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये भी एक तरह से डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसलिए याद करना आसान हो जाएगा। हालांकि इससे रिलेटेड, इस वर्ड से रिलेटेड ही कुछ कुछ रिपोर्ट्स हो रहे हैं जो कि अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक तो बनाता है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, पर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो IMF बनाता है, आप याद कर लेना इसको। और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, जो फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट है वो BIS बनाता है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सॉरी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बनाता है। आप इसको याद करने से इस तरह से याद कर सकते हो कि जो बैंक है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो बैंक के द्वारा ही लागू किया जाता है, इसलिए आप इसको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स
आप इस तरह से याद कर सकते हो। अगला आता है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाता है। आपने करंट अफेयर्स में किया होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इंडिया भी एक मेंबर है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स निकालता है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि वो रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती हैं, तो सबसे पहले देख लेना कि जितना भी इकोनॉमिक किससे रिलेटेड रिपोर्ट्स होंगी, जनरली हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही होगा क्योंकि इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को वो डील करता है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ऐसी रिपोर्ट है जो IMF बनाता है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लेना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो आउटलुक वर्ड हो गया ना, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है। ठीक है, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे वापस आते हैं, इसकी पहली रिपोर्ट आती है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी जितनी बढ़ेगी उतनी ही इकोनॉमिक रीच बढ़ेगी, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। और सेकंड रिपोर्ट आती है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, रिस्क भी इतना ही है कि आजकल किस कंट्री को कितना रिस्क है इकोनॉमिकली, डिजास्टर वे में अलग अलग तरह की किस तरीके का रिस्क रहता है, ये भी एक तरह का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि अगर ज़्यादा रिस्क रहेगा उतनी ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम रहेगी, तो इसलिए इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इससे ही रिलेटेड आती है एक वर्ल्ड रिपोर्ट 2017, इसको निकालते हैं यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट में मेजरली डिजास्टर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर तो शब्द आता है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट तो वो UNOEHS निकालेगी, लेकिन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म जिस देश का ज्यादा होगा, अच्छा होगा, उसके उतने ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, उतने ही इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे, उतने ही उसकी फॉरेन एक्सचेंजेस ज्यादा होंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक इकोनॉमिक से रिलेशन में आप इसको देख लेना, तो इसलिए इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद करने में आसानी रहेगी। फिर आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसको याद करने का तरीका ये हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिवनेस जितनी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में ही हम कॉम्पिटिटिवनेस देखते हैं कि कितना प्राइस का है, तो इकोनॉमिक टर्म्स में ही इसको सोच लेना, इसलिए याद करना आसान हो जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको निकालता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेड वर्ड भी इकोनॉमिक के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको याद रहना आसान रहेगा। लेकिन इसके साथ ही एक वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। तो वर्ल्ड ट्रेड आप जब आप आ जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करना आसान रहेगा। उसके बाद में ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसको थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जनरली हम ये लिंक नहीं कर पाते कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालेगा। इसको याद करने का तरीका यही है कि जो भी परफॉर्मेंस होती है उस अकॉर्डिंगली वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम उसको फंडिंग होती है, कौन सा देश किसकी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट देखा जाता है कि जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उसकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, डेवलप्ड कंट्रीज की इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है। तो इस तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, वही है कि कौन सी देश की कितनी परसेंट पॉपुलेशन किस तरह की लैंग्वेज यूज करती है, किस तरह की उसके आगे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, तो जनरली इंडिया के बारे में ये बोला जाता है कि इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन अराउंड 20% की पॉपुलेशन इंग्लिश यूज़ करती है मेन लैंग्वेज से। इससे क्या है, इंडिया की ओवरऑल जो वर्क फोर्स है, स्किल वर्क फोर्स है, उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इसका भी इकोनॉमिक के साथ हम लिंक कर सकते हैं, तो इस तरीके से इस रिपोर्ट को हम याद कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि नेक्स्ट आती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो याद कर लेना इसमें डेवलपमेंट वर्ड है, लेकिन ये वर्ल्ड बैंक नहीं बनाता, ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। तो इसको याद करने का ये वर्ड हो गया इंक्लूसिव। इकोनॉमिक टर्म्स में हम जब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखते हैं तो ये करते हैं कि पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है उस तरीके से, इसलिए ये इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट से हो जाएगा। इसको याद करने का यही तरीका है, डेवलपमेंट देख के आप इसको वर्ल्ड बैंक मत लगा के आना। और नेक्स्ट आ जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स।
ह्यूमन कैपिटल की आज भी एक टर्म में एक वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया होता है किसी बिजनेस के लिए कि कितनी वर्कफोर्स है। तो इसको भी हम इकोनॉमी के साथ रिलेट कर सकते हैं, जितनी अच्छी वर्कफोर्स होगी उतना इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा। और नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये अभी इसका नाम चेंज हुआ है, इससे पहले इसका नाम था ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, इसका पुराना नाम था। ये इंडेक्स बिल्कुल नया है, इसको अच्छी तरह इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। और ये रिपोर्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बनाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके साथ ही जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है वो IEA बनाता है आउटलुक, आप इसको इसको भी देख लेना क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड ही ये रिपोर्ट्स हैं। और एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन रेडीनेस है वो वर्ल्ड बैंक बनाता है। तो तीनों को अच्छी तरह से देख लेना कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है, एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन रेडीनेस है वो वर्ल्ड बैंक बनाता है, और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाती है रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इसको याद करना आसान है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हम लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इन कुछ जो दो तीन रिपोर्ट्स हैं इनको ध्यान से देख लेना क्योंकि इस बिल्कुल नाम बिल्कुल सेम से होंगे लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होगा वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाएगा, जो ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स होगा वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाती है रिपोर्ट, जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो यूनेस्को बनाती है, और जो जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है वो ये बिल्कुल नई रिपोर्ट है, इसको प्लान इंडिया करके एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको याद करने का यही तरीका होगा कि जहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप ग्लोबल वर्ड आ गया उसको आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ रिलेट कर देना, इनइक्वालिटी जहाँ वर्ड आएगा तो यूनाइटेड नेशंस उसमें आ जाता है कि इनइक्वालिटी को हमने खत्म करना है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो। जेंडर पैरिटी इंडेक्स होगी तो वो यूनेस्को बनाती है, ठीक है, और जेंडर वल्नरेबिलिटी इंडेक्स हो गया तो वो प्लान इंडिया बनाती है। ठीक है, आगे ऐसे ही इसके कुछ हम पार्ट्स निकालेंगे और कौन सी यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी रिपोर्ट्स निकालती हैं, आने वाले पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।